प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। मोदी ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वो उनके जन्मदिन का जश्न मनाने के बजाय जम्मू कश्मीर में बाढ़ से परेशान लोगों की मदद करें। हालांकि उनकी मां हीरा बा ने अपने बेटे के लिए जन्मदिन पर खास तैयारी की है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मां हीरा बा ने क्या तैयारियां की हैं वो दिखाएं, उससे पहले सुनिए मोदी ने अपने समर्थकों से क्या कहा। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मेरी सभी से प्रार्थना है कि मेरा जन्मदिन न मनाया जाए और हम मिलकर जम्मू कश्मीर के अपने बहन भाइयों के लिए तन मन धन से जो मदद कर सकते हैं करें। 17 सितंबर को ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं, मोदी खुद उनका स्वागत करेंगे। अहमदाबाद के हयात होटल में चीनी राष्ट्रपति के लिए खास गुजराती पकवानों का इंतजाम है। बाजरे की रोटी और मसाला खिचड़ी समेत 100 से ज्यादा चीजें सर्व की जाएंगी, लेकिन उनके स्वागत से लोगों को कोई भ्रम ना हो इसलिए पीएम ने एक और ट्वीट किया। चीन के राष्ट्रपति 17 सितंबर को गुजरात से भारत यात्रा शुरू करेंगे। उनके स्वागत में कार्यक्रम होंगे लेकिन मेरे जन्मदिन को लेकर कुछ नहीं होगा। उधर जन्मदिन पर प्रधानमंत्री गांधीनगर में माँ हीरा बा से मिलने भी जाएंगे, इसको लेकर खास तैयारी की जा रही है। परिवार वालों से जो हमारी बात हुई है उसमें ये खबर पता चली है कि नरेंद्र मोदी को इस बार हीरा बा गुड़ खिलाएंगी और गुड़ खिलाने के बाद आशीर्वाद देंगी। हर बार लड्डू खिलाया जाता था लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि उनके जन्मदिन को उत्सव न बनाया जाए। यही वजह है कि इस बार उन्हें गुड़ खिलाया जाएगा और गुड़ खिला के उन्हें आशीर्वाद दिया जाएगा। ये पहला मौका है जब अपने जन्मदिन पर मोदी बतौर प्रधानमंत्री माँ से मिलने आ रहे हैं। यहीं पे आशीर्वाद लेते हैं नरेंद्र मोदी अपनी माँ की, तो यहाँ से मीडिया के कैमरे जो है वो अपने कैमरों में उन तस्वीरों को कैद कर पाएंगे जब देश का प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया यहाँ अपनी माँ का आशीर्वाद ले रहा होगा। वो कैमरे में तस्वीरें यहाँ से मीडिया के कैमरे जो है वो कैद करेंगे। हर तरफ चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं लेकिन पीएम के जन्मदिन के लिहाज से कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा जन्मदिन नहीं मनाया है लेकिन तुम्हें जो भी खर्चा करो, जो करना है वो सब कश्मीर के लोगों के लिए करो और उनमें डोनेशन दो, तो फिर हमने थोड़ा फिक्का पड़ गया। हालांकि छोटी मोटी तैयारियां जरूर की गई हैं लेकिन सादगी से उनके जन्मदिन को इस बार मनाया जाएगा। कैमरामैन स्वप्निल धूरी और सहयोगी अरविंद शर्मा के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, गांधीनगर। अंदर की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक एक कदम से लोगों को अपनी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। पीएम इसके जरिए बड़े संकेत दे ही रहे हैं, बड़ा संदेश भी दे रहे हैं कि ये मौका जश्न का नहीं है, देशवासियों के गम को आपस में बांटने का है।